नवरात्र अष्टमी कौन महत्व रही तार पूजा करिवार विधि कौन एवं कले लोक मानकर कौन सुफल मिले यही शारदीय नवदुर्गा पूजा रे आमे आसंतु जानिबा अशोक कुमार शतपथी वेदाचार्य ठारू मु स्वागत करुछी। नाना आपण आमको कहिबे जे ए अष्टमी महत्व कौन एवं अष्टमी काहेकि पालन करा जाए ता द्वारा जनमानस कौन उपकृत हुए। ओम विद्योद्दाम समप्रभा मृगपतिम स्कंधस्थिताम भीषणाम कन्याभिकरवाल खेट विलसत धस्ताभिराम सेविताम हस्तैश्चक्रगदासि खेट विशिखाम चापम गुणाम तरजनीम बिभ्राणाम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे जगत जननी जगदम्बिके जगदीश्वरी माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी दुर्गति तारिणी भवभय हारिणी श्री माँ जगत जननी जगदम्बिके दुर्गांकर चरणरे अनंत कोटि प्रणाम। समग्र ससागरा धरारे माँकर शारदीय उत्सव परिपालित होउछि। समस्त जनमानस माँकर ए जो धरावतरण रे आनंदित आह्लादित आश्वासित जो माँ को स्वागत करिवार जो परंपरा साधारणतः उत्कलीय क्षेत्र रे तीन प्रकार त्रिविध भाव रे माँकर उत्सव परिपालन करा जाए। प्रथमतः षोडश दिवसात्मक पूजा द्वितीयतः नवदिवसात्मक पूजा। ये जो षोडश दिवसात्मक पूजा एवं नवदिवसात्मक पूजा प्रायतः पीठ मानकर अनुष्ठित करा जाए किंतु ग्रामांचल सहरांचल पूरपल्ली रे मांकर मृण्मय प्रतिमा को मध्य निर्माण करा जाए मां को आराधना करा जाए। तेबे ये जो पंचदिवसीय पूजा आ सर्वसाधारण पूजा ये जो अर्चना ये किभली भाव रे करा जाए। प्रथमतः आश्विन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि गते षष्ठी दिवस सांध्य मुहूर्तरु कौन करा जाए ना अष्टपत्रिका को प्रथमे संग्रह करा जाए। नवपत्रिका जदियो पूजा करा जाए परम्भा कचु हरिद्रा अशोक दाड़िम ये सबू जो पत्रिका रही एमानंकु संग्रह करि सारिबा परे बिल्वाधिवास करा जाए जहाँ आमे उत्कलीय भाषा रे बा ग्रामांचल भाषा रे बिल्वावरण बोली कही थाउ। सेठी कौन करा जाए षष्ठी दिवस संध्या समय रे पंचकर्म बा पंचांग कर्म को समापन करिबा परे माँ दुर्गांकर प्रतीकात्मक स्वरूप बिल्व वृक्ष को अर्चन करा जाए वरण करा जाए जहाँ आमे आम भाषा रे निमंत्रण बोली कहू। निमंत्रण करि सारिबा परे मंडप को आगमन करंती बा पूजा मंडप को आगमन करंती नवपत्रिका नवदुर्गा स्वरूप नवपत्रिका जेमिति आमे पूर्वरु आलोचना करूथिले जो जो नवदुर्गा रहिछंती से नवदुर्गा को मध्य पूजा करा जाए। से नवदुर्गा होचंती नवकुमारी तेणु से कुमारींकर प्रतीकात्मक स्वरूप नवदुर्गांकर प्रतीकात्मक स्वरूप जो नवपत्रिका को प्रवेश करा जाए। सप्तमी दिवसर प्रातः कालरु गंगा स्नान अर्थात जलाधिवास नवपत्रिका स्नान करा जाए जो भली भावरे आमे देवता को आवाहन कला बेले बा देवता स्वरूप जमिति आमे नववधु को बा कन्या को अर्चन करा जाए जेतेबेले शुद्ध स्नान करा जाए विभिन्न प्रकार द्रव्य माध्यम रे शुद्ध स्नान करा जाए जमिति पंचामृत पंचगव्य हरिद्रा ये सबू द्वारा स्नान करा जाई मार्जना करा जाई से नवपत्रिका को स्नान करा जाई गंगा निमंत्रण सहित बा कलशाधिवास सहित मंडप को आगमन करंती। शंख वाद्य भेरी तूली ये सबू जो मंगल वाद्य जेते गुड़िया रही ये मंगल वाद्य मानंक द्वारा माँ को स्वागत करा जाए। सप्तमी रे समस्त देवता माने मंडप को आगमन करंती माँकर नेत्रोत्सव सहित चतुष्टी जोगिनी पूजा भृंगारी स्नान इत्यादि करा जाए।
सप्तमी दिवस चंडी पाठ मंडपरे करा जाए। किंतु अष्टमी विशेषता बलि एवं चंडी हवन। तेबे बलि कौन ना बलि हेउछि एक प्रकार त्याग। आपण माने जानिथिबे जे समस्त मंदिर मानकरे बा समस्त पूजा मानकरे मध्य बलि हुए। किभली भावरे बलि हुए? बलिर यथार्थता हेउछि जो नकारात्मक तत्व गुड़िक रही शारीरिक भावरे मानसिक भावरे से तत्व मानकर त्याग। बलि मध्य एक प्रकार यज्ञ। वेद कहे जे देवतो द्येसेन द्रव्यस्य त्यागः यागः। बलि दबा मध्य जागर गोटे प्रथा। जे भली भावरे ब्रीही बा बीरी दधि ये सब कु बलि करा जाए से भली भावरे कुष्मांड बलि मां को पाखरे अनुष्ठित करा जाए। कौनसी कौनसी शक्तिपीठ मानकरे मध्य महापशु उपपशु इत्यादि बलिर प्रथा आजिका जुगरे प्रचलित रहिछि। तबे बलि प्रथा प्रथाटी आसिला केउठु ना आमर जो अर्चन बा पूजा एहा हेउछि तीनि प्रकारर मंत्र पूजा जंत्र पूजा एवं तंत्र पूजा। तबे मंत्र कौन ना मननाथ त्रायते इति मंत्र। सेइभली भाबरे जननाथ त्रायते इति जंत्र। तंत्र ना तनुनाथ त्रायते इति तंत्र। तबे तंत्र मध्य तीनि प्रकारर सात्विक तंत्र राजसिक तंत्र तामसिक तंत्र। साधारणतः आम जो पूजा होम बलि दान इत्यादि करी था मंगल कामना पाई अभीष्ट सिद्धि पाई पर्व को अनुष्ठित करने बा संपादित करने यह सात्विक तंत्र। राजसिक तंत्र शक्ति क्षेत्र मानकरे बा समस्त प्रकार क्षेत्र मानकरे शाक्त कहतु शैव कहतु वैष्णव कहतु गाणपत्य कहतु सौर कहतु जेकोसी क्षेत्र में अभीष्ट सिद्धि पाई बा कौनसी कामना बासना को रखी किसी प्राप्ति करार लक्ष्य रखी जो पूजा करा जाए जो तंत्र पूजा करा जाए ताहा हेउछि राजसिक तंत्र। तेबे तामसिक तंत्र कौन ना रीतिनीति मुताबक। आपण माने साधारणतः जानिथिबे जे जो महापशु उपपशु इत्यादि बलि प्रदान करा जाए ताहा हेउछि राजसिक तंत्र ताहा मध्य तामसिक तंत्र अंतर्भुक्त। किंतु साधारण रे आमे जानि थाउ जे तामसिक तंत्र हेउछि आठ प्रकार रो आमे जहाँ को गुणीगारेडी बोली कहि थाउ ताहा कौन ना मारण मोहन स्तंभन वशीकरण उच्चाटन विद्वेषण एही भली भावरे आठ प्रकार रो शिव तंत्र रहिछि। तेबे एहा मध्य एक तंत्र रो पूजा जो मांकर अष्टमी विहित पूजा बा बलिर अर्पण एहा मध्य एक तंत्र विहित पूजा एवं एहार स्वतंत्रता एवं प्राधान्यता रहिछि चंडी हवन। तेबे चंडी किए से ताहा पुणी सप्तसती चंडी। सप्तसती काहेकि ना सप्तमी तिथि पर्यंत आमे उपासना करी आसी थाउ एवं अष्टमी तिथि रे हवन माध्यम रे देवतांकु सेई जो तांत्रिक मंत्र द्वारा हवि को प्रदान करू इष्टत्व को प्रदान करू श्रेष्ठत्व को प्रदान करू ताहा चंडी द्वारा बा चंडी रो हवन द्वारा। तेबे ताकु सप्तसती बोली काहेकि कहिबा ना सात सह श्लोकयुक्त मंत्र द्वारा यह प्रतिपादित होइथिबारु यहाँ सप्तसती चंडी बोली कुहा जाए। तेबे ये सप्तसती चंडीर आउ मध्य किछि परिचय रहिछन्ति। ये सप्तसती चंडीर देवता होउछन्ति तीन जन केसे ना प्रथम चरित्र मध्यम चरित्र उत्तर चरित्र ए तीन गोटी चरित्र रे तीन जन देवता। प्रथम चरित्रर देवता हेले महाकाली द्वितीय चरित्रर देवता हेले महालक्ष्मी एवं तृतीय चरित्रर देवता हेउछन्ति महासरस्वती। तेबे महाकालींकर जो प्रथम चरित्र ये प्रथम चरित्र केवल प्रथम अध्याय। द्वितीय चरित्र महालक्ष्मींकर चरित्र द्वितीय अध्याय ठारु चतुर्थ अध्याय पर्यंत ये जो चरित्र ये हेउछन्ति यार देवता होती माँ महालक्ष्मी। पंचम अध्याय ठारु त्रयोदश अध्याय पर्यंत जो चरित्र रही से चरित्रर देवता होती स्वयं महासरस्वती। तेणु ये जो सातश
ଶ୍ଳୋକଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀକୁ ଆମେ ଶ୍ଳୋକ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ଶ୍ଳୋକଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ଆମେ ୟାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ସବୁ ପ୍ରକାରର କହିବାର ଯଥାର୍ଥତା, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବଧାରାରେ, ରାଜସିକ ଭାବଧାରାରେ, ତାମସିକ ଭାବଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ। କେମିତି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିବି। ପ୍ରଣବ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ କହୁ ବା ଓମ୍, ଓମ୍ କହିଲେ ଅ, ଉ ଏବଂ ମ। ଅ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତୀକ, ଉ ରାଜସିକ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତୀକ, ମ ତାମସିକ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତୀକ। ତେବେ ଏଇ ଚଣ୍ଡୀର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ କିଛି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ। ମହାକାଳୀ କାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ନା ମଧୁ କୈଟଭକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମ ଚରିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଏ ମଧ୍ୟମ ଚରିତ୍ରର ଦେବତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଥିରେ ମହିଷାସୁରଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମହିଷାସୁର ନିଜେ ବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶକ୍ରାଦି, ଶକ୍ର କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଚରିତ୍ର। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେବ୍ୟା ଦୂତ ସମ୍ବାଦ, ଦେବୀଙ୍କର ଦୂତ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ସେନା ଏବଂ ଧୂମ୍ରଲୋଚନଙ୍କର ବଦ୍ଧ। ସପ୍ତମରେ ଚଣ୍ଡ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟମରେ ରକ୍ତବୀଜ, ନବମରେ ନିଶୁମ୍ଭ, ଦଶମରେ ଶୁମ୍ଭ, ଏକାଦଶରେ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ତୁତି, ଦ୍ୱାଦଶ ଦେବୀ ସ୍ତୁତି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ରହିଛି ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀ, ଏଥିରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି। ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୁରଥ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟଙ୍କର ବରପ୍ରାପ୍ତି। ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣୀ ସାବରଣିକ ମନ୍ୱନ୍ତରେ ରାଜା ସୁରଥ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି, ଏଥିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଯିଏ ସୁରଥ ରାଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସାବର୍ଣ୍ଣିକ ମନୁ ନାମରେ ଆଖ୍ୟାନ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମା ବରପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମୀରେ ପରିପାଳିତ କରାଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ବିଶେଷ ନୀତି ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀ, ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହି ଅବସରରେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଜଗଦମ୍ବିକେ, ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଭବଭୟ ହାରିଣୀ, ମା ଶକ୍ତିମୟୀ, କୃପାମୟୀ, ଆହ୍ଲାଦିନୀ, ପ୍ରେମମୟୀ, ଭକ୍ତିମୟୀ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଜଗଦମ୍ବିକେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଏ ଶାରଦୀୟ ଅବସରରେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଧରାବତରଣରେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରିବା ସହିତ ଏ ସମାଜରୁ, ଏ ସଂସାରରୁ ରୋଗ, ଶୋକ, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ, କଷ୍ଟ, ବ୍ୟାଧି, ଜରା ଏସବୁକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ସମସ୍ତ ସସାଗରା ଧରାକୁ ପରିପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ଚରଣରେ ଭକ୍ତିପୂତ ନିବେଦନ। ଜୟ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଜଗଦମ୍ବିକେ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।